हेलो बच्चों, क्या हाल चाल आपके? कैसे हैं आप? अकाउंट्स ठीक चल रहा है ना? बेसिक अकाउंटिंग टर्म मजा आ रहा होगा मेरे हिसाब से। देखो, पिछली क्लास में जब हमने बातें की थी आपका बेसिक अकाउंटिंग टर्म में, तो हमने कई सारी बातें, एक तो रेवेन्यू नेचर के आइटम्स का एक प्रॉपर तरीके से डेफिनेशन देखा था, जिसको हमने कहा था रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी कि एक्सपेंस होता है। फिर हमने आगे आपका बताया था कि वो आपका क्या था जी, वो कैपिटल रिसीट्स एंड रेवेन्यू रिसीट्स आपका, जिसको रेवेन्यू रिसीट्स यानी कि रेवेन्यू कहा जाएगा। हमने प्रॉफिट लॉस बातें की थी। आज ना हमें क्या करना है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, जो हमारा चैप्टर चल रहा है बेसिक अकाउंटिंग टर्म, आज हमारी क्लास जो आगे बढ़ेगी, आज जो क्लास हमारी आगे बढ़ेगी मेरे बच्चे, इसके अंदर में मैं एक एग्जाम्पल आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज की क्लास में नंबर वन लिखे एग्जाम्पल यहाँ पे कहते हैं कि क्लासीफाई, आपको क्लासीफाई करना है वेदर, वेदर फॉलोइंग, लिखिए मेरे साथ, फॉलोइंग आर रेवेन्यू, रेवेन्यू ऑब्लिक कैपिटल रिसीट्स ऑब्लिक एक्सपेंडिचर। आपको बताना है कि जो नीचे में बातें आपको मैं दे रहा हूं वो रेवेन्यू रिसीट्स है, कैपिटल रिसीट्स है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सर कौन सी बातें, लिखिए मेरे साथ नंबर ए, नंबर ए हम यहीं पे लिखेंगे और आगे उसका लिख देंगे जी कि रेवेन्यू या कैपिटल, पर लिखो मेरे साथ यहां पे। कहता है कि सेल ऑफ गुड्स, गुड्स हमने बेचा। फिर कहता जगह छोड़ता मैं अभी, आंसर मत लिखना, लिखो यहां पे। कहता है कि रेंट पेड, रेंट पेड हमने रेंट पे किया। फिर कहता है कि सैलरी भी हमने पे किया, सैलरी पेड। फिर कहता है आपका यहां पे और क्या लू बताओ जरा। सर हमने यहां पे परचेज किया, परचेजेज किस चीज का जी, तो परचेज ऑफ गुड्स हमने किया, गुड्स जिसमें हम डील कर रहे हैं। फिर लिखो यहां पे आपका, कहता है कि परचेज ऑफ, परचेज ऑफ मशीन, हमने मशीन लिया, मशीन जो कई वर्षों तक यूज होता है। फिर परचेज ऑफ बिल्डिंग, परचेज ऑफ बिल्डिंग हमने बिल्डिंग भी परचेज किया है। फिर कहता आपका यहां पे, फिर कहता आपका परचेज ऑफ, परचेज ऑफ फर्नीचर, हमने फर्नीचर पे परचेज किया। लेकिन कहता कि ऑन क्रेडिट, क्रेडिट पे मतलब हमें आगे पेमेंट करना है। नाइन्थ लिखो यहां पे, नाइन्थ लिखो, कहता है कि आपका सेल ऑफ, सेल ऑफ मशीन, हमने मशीन बेच दिया। सेल ऑफ बिल्डिंग, हमने बिल्डिंग बेचा है। और फिर कहता है यहां पे लोन, लोन टेकन, लोन टेकन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से लोन लिया है। फिर कहता है यहां पे आपका सेल ऑफ स्क्रैप, स्क्रैप नहीं होते सामान जो खराब हो जाते हैं उसको बेच देते हैं, स्क्रैप बेचा हमने। और फिर लिखो यहां पे आपका कमीशन रिसीव, हमने कोई कमीशन रिसीव किया होगा, कमीशन रिसीव्ड। मैं एक और बता दूं अपने बारे में, अगर मान लो जो मैं फीस आपसे लेता हूं यानी कि फीस रिसीव्ड, ठीक है ना। तो आपको बताना कि रेवेन्यू रिसीट से कैपिटल रिसीट से रेवेन्यू पेमेंट है या फिर कैपिटल पेमेंट है, तो बताओ सेल ऑफ गुड्स क्या बोला जाएगा, बोलो बोलो, गुड्स का बेचना। सर गुड्स बेचा ना, तो सर, सर ये आपका पैसा आया होगा, जब गुड्स बेचूंगा तो पैसा आएगा। और क्योंकि ये नॉर्मल ऑपरेशन में हो रहा है बच्चे, नॉर्मल ऑपरेशन में हो रहा है, क्योंकि गुड्स ही मेरा काम है, तो इसको हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स। अगर आप भूल गए हैं तो पिछले क्लास की क्लास का एक बार रिवीजन कर लें, आपको समझ में आ जाएगा। फिर कहता है आपका रेंट पेड, रेंट पे करना ऑपरेशन में होता है, और पे किया इसलिए हम इसे कहेंगे रेवेन्यू पेमेंट। पिछली क्लास का एक शॉर्ट रिवीजन करा रहा हूं बस। सैलरी पे किया, ये भी करंट ईयर में इसका बेनिफिट मिलेगा, तो रेवेन्यू पेमेंट कहा जाएगा। पेमेंट कह दो या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, चलो कोई बात नहीं, वही वर्ड लिखो जो पिछली क्लास से आप लिखते आ रहे हैं, ऐसे पेमेंट भी कोई दिक्कत नहीं है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपका कोई भी खर्च जो हमने कर दिया है या होगा लेकिन उसका बेनिफिट मिल गया करंट ईयर में, तो हम उसको रेवेन्यू कहते हैं। परचेज ऑफ गुड्स, ये भी क्या बोला जाएगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर।
रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। फिर आगे बढ़ते हैं आपको यहाँ पे परचेज ऑफ मशीन, ये मशीन कई वर्षों तक बेनिफिट देगा, और क्योंकि हमने पेमेंट किया होगा बच्चे, मशीन जब लिया तो पेमेंट किया होगा, हम इसे बोलेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, है ना सर। हाँ अच्छा बताओ परचेज ऑफ बिल्डिंग ये क्या होगा सर, ये भी कहा जाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है ठीक है। अच्छा बताओ परचेज ऑफ फर्नीचर ऑन क्रेडिट, अगर हमने फर्नीचर को परचेज किया क्रेडिट पे, तो बताओ फर्नीचर आपका क्या है, इसका बेनिफिट करंट ईयर में कि आगे भी मिलेगा? सर आगे भी मिलेगा, लेकिन ऑन क्रेडिट है, क्या फर्क पड़ता है, चाहे पेमेंट हो चुका है चाहे अभी पेमेंट करना है, हम इसे कैपिटल एक्सपेंडिचर ही कहते हैं। अरे पेमेंट इस साल हो चाहे आगे वाले वर्षों में, जिस पे जो भी हमने परचेज किया, अगर पेमेंट उसका फ्यूचर में मिलेगा, बेनिफिट फ्यूचर में मिलेगा, हम उसे कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। सेल ऑफ मशीन, बताओ मशीन बेचा है, अगर मशीन बेचा तो पैसा आया कि चला गया? सर आया है, ये रिसीट्स है, और क्योंकि मशीन बच्चे जिसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कभी कहा था हमने, अगर उससे कोई रिसीट्स होगा तो हम इसे कैपिटल रिसीट्स का नाम देते हैं, जो हमने कभी कैपिटल एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड किया है, अगर उसे कोई रिसीप आएगा पैसा तो आप कैपिटल रिसीट्स कहेंगे। उसी तरीके से बिल्डिंग का बेचना भी हम यहाँ पे कैपिटल रिसीट्स के नाम से रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा ये लोन लिया बैंक से, सर बैंक से लोन लेना भी कैपिटल रिसीट्स होता है, क्योंकि आपने कहा था सर कि रेवेन्यू रिसीट्स जो नहीं होगा उसको कैपिटल रिसीट्स कहेंगे, और रेवेन्यू रिसीट्स का मतलब होता है कि जो नॉर्मल जो मैं काम कर रहा हूँ उस काम से जो मुझे मिलेगा, जो मेरा बिजनेस से मिलेगा उसको भी है। स्क्रैप बेचना, ये छोटे मोटे काम बच्चे हमेशा बिजनेस में होते हैं, हमेशा आपके बिजनेस में कोई स्क्रैप निकलेगा, कुछ कबाड़ी निकलेगा, आप उसको बेच देंगे, इसको हम रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं, ये बिजनेस से जुड़ा हुआ आपका है, रेवेन्यू रिसीट्स आपका कहा जाएगा। ये आपका कमीशन रिसीव किया, इसको भी हम कहेंगे रेवेन्यू रिसीट्स, रेवेन्यू रिसीट्स। और बताओ मैं फीस जो आपसे ले रहा हूँ वो मेरा क्या कहा जाएगा? सर रेवेन्यू रिसीट्स, हमने ये जो रिसीव किया वो भी क्या होगा? रेवेन्यू होगा। ऐसे क्लासिफिकेशन होता है आइटम्स का, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये बातें हमने पिछली क्लास में आपको बताई थी, और उसी का एक छोटा सा हमने रिवीजन करा दिया। न्यूमेरिकली एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि बताओ जी रेवेन्यू होगा कि कैपिटल होगा, तो मेरे बच्चे अब यहां तक क्लियरिफाई कर सकते हैं, ठीक है ना? कोई डाउट नहीं सर, कोई डाउट नहीं, ठीक है। अब मैं क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, ये तो छोटा सा रिविजन था, अगर आप मुझे अनुमति दें, अगर मुझे आप आज्ञा दें तो मैं इसको मिटाऊं। हाँ सर हाँ, मिटा दो आप यहाँ पे, हमें अब इससे कोई जरूरत नहीं सर, इसकी कोई जरूरत नहीं, आप मिटा दो सर, आप ही अपनी मनोकामना पूरी कर लो, जो आपको इस जिंदगी में मन कर रहा है वो सब कर लो सर आप, मुझे तो सिर्फ पढ़ाने का मन करता है बच्चे, और कुछ नहीं मन करता, कुछ नहीं मन करता, सुबह शाम चाहता हूँ बस आपको पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, खाना भी खाने का मन नहीं करता, बस आपको पढ़ाते रहो पढ़ाते रहो, ठीक है सर। हम भी तैयार सर, आगे बताओ, आज की जो क्लास है ना इसमें दो तीन अच्छे अच्छे वर्ड आएंगे, ऐसा नहीं कि उन वर्ड को पहले आपने नहीं सुना है, आप पहले से उन वर्ड के बारे में जानते हैं, लेकिन वो बहुत मजेदार वर्ड है, तो चलो और उन वर्ड्स को मैं आपके सामने रखता हूं और फिर हम क्लास को आज आगे बढ़ाते हैं। एक वर्ड होता है बच्चे डिस्काउंट, लिखिए आज की क्लास में, आई थिंक मैं भूल गया, पिछली क्लास में शायद 15 पॉइंट तक हमने बात की थी, तो आज हमारा 16 पॉइंट होगा, जो भी होगा कोई बात नहीं, 16 पॉइंट लिख दो, इसमें थोड़े झगड़ा करना है ना, झगड़ा थोड़े करना है। आज एक वर्ड मैं आपको बताऊंगा बहुत प्यारा सा, जिसका नाम है डिस्काउंट। सर ये सुना सुना सा लगता है, कैसी बात कहते हो, कैसी बात, इतने बड़े हो गए डिस्काउंट नहीं जानते, अरे ये तो आपकी आदत है, ये आपकी आदत है, जब भी कुछ करो तो सर डिस्काउंट दे दो, यही होता ना बच्चे, आप कभी शोरूम में जाते हो कोई सामान लेना है, भैया कितना डिस्काउंट दोगे, कितना डिस्काउंट चल रहा है, बात नहीं होती क्या, ये 400 रुपए का ना भेजना, बहुत महंगा, बताओ कितने डिस्काउंट दोगे, करते हो बात ना, वही डिस्काउंट, यहां पे वही डिस्काउंट की बात कर रहे हैं जो आप जानते हो। हाँ अकाउंट्स में आकर थोड़ा इसको हम पॉलिश कर देंगे सर, कैसी पॉलिशिंग मैं आपको बता दूं, एक्चुअली जो डिस्काउंट होता है बच्चे अकाउंट्स में वो दो तरीके का होता है, सुनना ध्यान से, डिस्काउंट दो तरीके का होता है, एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एक होता है मेरे बच्चे ट्रेड डिस्काउंट, और एक वर्ड होता है, एक खामखा इतना बड़ा निकाल दिया, एक वर्ड आपका होता है कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, दो तरीके का आपका डिस्काउंट होता है अकाउंट्स में जब हम बात करते हैं।
एक होता है क्या जी, आपका ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा क्या होता है आपका कैश डिस्काउंट। सर सर एक बात बताओ, ये आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है और जो कैश डिस्काउंट है, ये क्या होता है, ये क्या होता है सर? मैं थोड़ा सा डिस्काउंट के बारे में लिखा दूं क्या पहले, इसके बाद आगे बढ़ जाएंगे। सर प्लीज सर, हमें काटना पड़ेगा। काट लो ना, अरे काट लो ना, क्या फर्क पड़ गया, थोड़ा गलती हो गई तो क्या चला जा गया, थोड़ा लिखो तो इसके बारे में डिस्काउंट, फिर आगे बताऊंगा ना, आपके लिए काट रहा हूं, लिखो डिस्काउंट के बारे में। डिस्काउंट के बारे में कहता है कि व्हेन कस्टमर्स आर, लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में, व्हेन कस्टमर्स आर, सर आप तो मिटा देते हो लेकिन हम थोड़े मिटा पाते सर, काटते गंदा हो जाता है। कोई बात नहीं, हो जाने दो, आज तो कुछ भी हो जाने दो। व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड, आज तो कुछ भी हो जाने दो बस। कंसेशन, कंसेशन जब कस्टमर को हम कोई कंसेशन देते हैं, CONCESSION, कंसेशन, कंसेशन को हम यहां पे रिबेट भी कह सकते हैं। रिबेट का मतलब छूट, यानी कि डिस्काउंट। इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स, इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स, इन द प्राइसेज ऑफ गुड्स, आपका जो गुड्स है उनके प्राइस में अगर कोई कंसेशन देते हो, इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज। अब देखो ना, सर्विसेज भी तो हम मांगते हैं, उनसे भी कंसेशन। तो व्हेन कस्टमर्स आर अलाउड कंसेशन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, और फ्रॉम अमाउंट पेबल पेबल कॉमा, इट इज कॉल्ड डिस्काउंट। सर 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 कुछ लिखा बट पूरी बात सर दिमाग में नहीं बैठी। आप तो डिस्काउंट कह रहे थे कि वही है जो हम जानते हैं, फिर ये क्या है? वही बचे, वही जो मैंने आपको बताया। सुनो तो लिखो इसके आगे जाना आपका, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। एक्चुअली अकाउंट्स में जो डिस्काउंट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। नंबर ए क्या लिखा था हम लोगों ने, ट्रेड डिस्काउंट, और लिखेंगे आप नंबर बी यहां पे कैश डिस्काउंट। सर ये क्या होते हैं सर? चलो पहले हम इसको समझते हैं, फिर थोड़ा सा इसके बारे में लिखेंगे। पहले सिंपल शब्दों में इसका मतलब समझो। लिख लिया पहले यहां तक आपने? अरे लिख लिया आपने सर? हाँ सर हाँ, यहां तक तो हमने लिख लिया, तो ठीक है। सॉरी, अब जरा सिंपल शब्दों में इसका मतलब सुनो कि ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, कैश डिस्काउंट क्या होता है। देखो मैं कुछ यहां पे बना रहा हूं, आप नहीं बनाना, बस आप सुनना। ये देखो, आप जरा बताओ ये क्या है, जरा बताओ ये क्या है, आपको क्या लगता है ये क्या है, जरा बताओ। सर हमें तो एक बॉक्स लग रहा है जिसमें थोड़ा सा रास्ता है। नहीं बच्चे नहीं, आप गलत बता रहे हो, ये एक शोरूम है बच्चे, शोरूम है ये, बहुत बड़ा एक शोरूम आपका है। जरा सुनो ध्यान से क्या हुआ, एक बार की बात है, आपकी बात कहता हूं, आपकी बात, मैं एक बिजनेस हूं, आप मेरे पास आए, ये शोरूम मेरा है, ये लो ये शोरूम किसका है, मेरा मतलब आपके सर का। अच्छा बताओ इस शोरूम में मैंने ये क्या रखा हुआ है, जरा बताओ, ये ध्यान से देखना, बताओ ये क्या है। सर 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 ये क्या है सर, समझ में नहीं आ रहा। अरे ये शर्ट है, शर्ट नहीं होता शर्ट, ऐसा शर्ट देखो जरा, हाथ ऐसे निकला तो एक यहां निकल गया, एक यहां निकल गया, ये दोनों ऐसे है और ऐसे वाला ये सीधा हो गया, ये शर्ट है। ड्राइंग मुझे ठीक से नहीं आती बट मान लो क्या ये दिख भी तो रहा है आपको, ये शर्ट है। SHIRT क्या लिख दिया मैंने, SHIRT, ठीक है ना। अब देखो जरा, सुनो, अब सुनो मेरी बात, मैं शोरूम में बैठा हुआ था इस शर्ट को बेचने के लिए, आप मेरे शोरूम में आए और आपने कहा कि सर ये शर्ट तो बड़ा प्यारा है, सर कितने में दोगे? मैंने कहा कि देखो जी इसकी कीमत जो है ना, इसकी कीमत 2000 है, मैं आपको 2000 रुपये में दूंगा, 2000 में। आपने कहा कि सर ये बहुत महंगा, सर बहुत महंगा है, इतना नहीं दूंगा मैं। हमने पूछा कितने में लोगे बताओ ना, आपने कहा कि सर आप हमें इसको 100 रुपये में दे दो, 100 रुपये में। जरा बताओ ये बात बनेगी बच्चे? अरे मैं जिस शर्ट की कीमत 2000 रुपये कह रहा हूं, आप मुझे 100 रुपये में मांग रहे हो, बात बनेगी क्या यहां पर? नहीं सर, नहीं बात तो नहीं बनेगी। फिर क्या होगा जरा बताओ सर? नेगोशिएशन होगा,
नेगोशिएशन होगा, कुछ मैं बार्गेनिंग करूंगा, कुछ आप बार्गेनिंग करोगे, थोड़ा सा आगे मैं जाऊंगा, थोड़े से आप आगे आप आओगे और फिर बात बनेगी। और बनी गई बात, बच्चे बन गई बात। पता है ये जो 2000 का शर्ट था ना, ये हम दोनों ने एग्री किया कि चलो जी आप मुझसे ये 1200 में आप हमसे ले लो, 1200 रुपए में लो, मैं इस प्राइस को हटाता हूं। ये 2000 जो है ना बच्चे, ये मेरे इस शर्ट का एमआरपी था। एमआरपी का मतलब क्या होता जी, आपका रिटेल प्राइस, जितने में मुझे बेचना था, है ना बच्चे, ये एमआरपी था। तो मेरे होता ना एमआरपी प्राइस टैग नहीं लगा था शर्ट के अंदर में, वो कितना था 2000, कितने बेचा 1200 रुपए में, कितना मैंने छोड़ दिया आपको, कितना रिबेट दे दिया। सर जो 2000 का शर्ट था सर, आपने मुझे 1200 में दिया, यानी कि सर आपने हमें डिस्काउंट दे दिया, डिस्काउंट दे दिया, कितने का आपने 800 का दिया ना बच्चे, 800 रुपए का डिस्काउंट। अरे 2000 का शर्ट अगर हमने 1200 में आपको बेचा बेचा तो डिस्काउंट कितने का दिया, हमने दिया 800 का आपका। अरे ये जो 800 का जो डिस्काउंट दिया ना बच्चे, दिस इज कॉल्ड आपका ट्रेड डिस्काउंट। क्या बोलते हैं, ट्रेड। ट्रेड का मतलब क्या होता है, व्यापार करना, लेन देन करना। जब हम और आप दोनों लेन देन के टाइम पे जो बार्गेनिंग कर रहे थे ना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। आई बात समझ में? अरे सिंपल शब्द में बता रहा हूं, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत टफ बातें आपके साथ कर रहा हूं। ट्रेड डिस्काउंट का क्या मतलब होता है, कोई पूछे तो कह देना कि भैया जब हम सामान लेने जाते हैं ना, तो उस समय जो बार्गेनिंग होती है, उस बार्गेनिंग में जो हमें डिस्काउंट मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रेड डिस्काउंट आपका। कोई पूछ दे कि कोई और भी एग्जांपल होता है क्या, या सिर्फ बार्गेनिंग की बात होती है, तो बोला कि ना और भी बातें होती है, जरा सुनो क्या, जरा सुनो क्या। मैं एक दुकान में गया और बोला कि भैया एक मार्कर दो, एक मार्कर। तो उसने कहा कि एक मार्कर जो आपका है वो आपको मिलेगा 10 रुपए में, 10 रुपीज में। हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि जरा बताओ, एक नहीं, 1 2 3 4 5 मुझे मार्कर चाहिए, 5, अब कितने में दोगे। तो बताओ उसने एक कितने का बोला था, 10 रुपए का, तो 5 कितने के हो गए, 50 रुपए के, 50 हो गए ना। बट उसने कहा कि चल कोई बात नहीं, आप हमें 45 दे देना, बल्क डिस्काउंट। अरे बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट, ये भी तो मिलता है, नहीं मिलता आपको। एक एक पेन लूंगा तो 10 रुपए का, 5 लूंगा तो 45 रुपए का, 46 का कुछ डिस्काउंट मिलता है ना बच्चे। सर हाँ, ये जो डिस्काउंट आपको मिला आपका 3-4 रुपए का, वो भी क्या होता है, आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। पर बच्चे ट्रेड डिस्काउंट का मतलब होता है बार्गेनिंग जो होती है उस टाइम पे, कह दो या कह दो कि क्वांटिटी डिस्काउंट, आप जब ज्यादा लेते हो तो ज्यादा आपको कुछ प्राइस कुछ कम हो जाता है, उसको बोलते हैं ट्रेड डिस्काउंट। आई बात समझ में? सर हाँ सर हाँ। अच्छा एक बात बताओ, एक बात बताओ, आपसे ही पूछता हूं, आपसे पूछता हूं, जरा सोच समझ के बताना कि प्राइस का जो प्राइस था ना शर्ट का, वो 2000 था, लेकिन जो मैंने आपको सेल किया, जो मैंने वो शर्ट आपको दिया, वो कितने में दिया जरा बताओ। सर आपने दिया हमें 1200 में, 1200 में। मेरे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनना, ध्यान से मेरी बात सुनना, ये 2000 जो है ना, जो एमआरपी है, हम इसको ग्रॉस सेल प्राइस कह सकते हैं। सर हम भी लिखे कोई जरूरत नहीं है, ग्रॉस सेल प्राइस आप दिमाग में बैठा लो ना, ये तो छोटी छोटी बातें हैं, चाहो तो लिख लो, बट दिमाग में बैठाने की बातें हैं। ये जो ग्रॉस सेल प्राइस था ना, ग्रॉस सेल प्राइस, इसमें से ट्रेड डिस्काउंट को माइनस करके क्या निकला आपका, ये हो गया नेट सेल प्राइस। एक बात बताओ, एक बात बताओ, अगर मान लो कोई मुझसे पूछ दे कि आपने शर्ट कितने में बेचा, कोई पूछ दे मुझसे कि आपने शर्ट कितने में बेचा, तो जरा बताओ क्या बोलूं, 2000 में कहूं कि 1200 में बोलूं, आपका कितने में बेचा, सर आपने 1200 में बेचा। हाँ बच्चे हाँ, बिल्कुल ठीक बोला। मुझसे कोई पूछेगा कि आपने शर्ट कितने बेचा, तो मैं क्या बोलूंगा, 1200 रुपए में, 1200 में। अच्छा आपसे कोई पूछे कि आपने शर्ट परचेज कितने में किया, कितने में किया, तो क्या बताओगे, सर मैं भी 1200 ही बताऊंगा, क्योंकि परचेज तो 1200 रुपए में हुआ है। अब बिल्कुल ठीक बोले बच्चे, बेचने की जो मैं एंट्री करूंगा ना, जो रिकॉर्डिंग करूंगा कि भैया मैंने कितने में बेचा, तो मैं रिकॉर्डिंग करूंगा 1200 से। और आप अपने घर में जब रिकॉर्ड करोगे ना कि मैंने परचेज कितने में किया, तो आप भी रिकॉर्डिंग कितने से करोगे, 1200 से। इन शॉर्ट कहना चाहता हूं कि पूरे अकाउंटेंसी में, सुना मेरी बात, पूरे अकाउंटेंसी में मैं आगे प्रूफ करूंगा, जो आपका जो ट्रेड डिस्काउंट है ना बच्चे, इसकी कहीं कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती पूरे अकाउंटेंसी में। क्योंकि जो पहला ट्रांजेक्शन शुरू हुआ, याद करो पहला वर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल पैसे में जो ट्रांजेक्शन आपका हुआ है, वो शुरू ही आपका 1200 रुपए से हुआ है,
1200 से. तो द पर्सन हु इज सेलिंग दिस प्रोडक्ट ही विल रिकॉर्ड प्राइस सेल प्राइस एट 1200 एंड द पर्सन हु इज परचेजिंग दैट प्रोडक्ट ही विल ऑल्सो रिकॉर्ड द गुड्स एट 1200 रुपीज अमाउंट. द फर्स्ट ट्रांजेक्शन द फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन विल बी रिकॉर्डेड एट 1200 रुपीज ओनली. यानी कि ये प्राइस जो है और ये प्राइस जो है वो कोई काम का नहीं है. जो फर्स्ट रिकॉर्डिंग आपका होगा सॉरी दैट विल स्टार्ट फ्रॉम 1200 रुपीज अमाउंट. आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ. ये तो आपने ट्रेड बताया डिस्काउंट, फिर सर ये कैश डिस्काउंट क्या होता है? चलो ना उसके बारे में बाद में, पहले आप ट्रेड डिस्काउंट के बारे में थोड़ा सा लिखो मेरे साथ. लिखो जरा यहां पे नंबर ए ट्रेड डिस्काउंट, लिखो यहां पे. अच्छे अच्छे वर्ड है, प्यारे प्यारे, हम इनको समझते हुए अकाउंट्स को आगे बढ़ाएंगे. लिखे ट्रेड डिस्काउंट के बारे में. इट इज कंसेशन, इट इज कंसेशन, इट इज कंसेशन कह दो या ब्रैकेट में रिबेट यानी कि छूट, कुछ भी कह सकते हो. इट इज कंसेशन कहता है कि अलाउड बाय सेलर, अलाउड बाय द सेलर, सेलर ने जो कंसेशन अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउ किया. इट इज द कंसेशन अलाउड बाय द सेलर ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, बेसिस ऑफ क्या जी? तो कहता है कि ऑन द बेसिस ऑफ इधर क्वांटिटी, इधर EITHER, इधर क्वांटिटी QUANTITY, क्वांटिटी और वैल्यू ऑफ सेल, और वैल्यू, वैल्यू ऑफ सेल. सर क्या मतलब निकल गया? यही तो बताया. देखो ना, देखो ना, अरे देखो तो मेरी बात. हमने 2000 का सामान 12 बेचा तो हमने 800 का डिस्काउंट दिया. ये डिस्काउंट दिया मैंने वैल्यू में से, वैल्यू में से, है ना, वैल्यू में से. या फिर क्वांटिटी डिस्काउंट, क्वांटिटी एक लिया तो आपका 10, पांच लिया तो कितना आपका हो गया 45. तो ये ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बच्चे, ट्रेड डिस्काउंट ये मिलता है या तो इसका बेसिस क्या होता है जी, क्वांटिटी का, जितना क्वांटिटी ज्यादा उतना ज्यादा डिस्काउंट, या सेल की वैल्यू कितनी है. क्योंकि 2000 में हमने 800 का डिस्काउंट दे दिया लेकिन 20 रुपीज में थोड़े 800 का डिस्काउंट दे सकते हैं, तो वैल्यू के बेसिस पे डिपेंड करता है आपका, या सिंपली कह दो बार्गेनिंग के टाइम पे जो डिस्काउंट आपका मिलता है. लिखेंगे आगे यहां पे फुल स्टॉप के बाद. लिखना सेल्स आर रिकॉर्डेड, इसी में लिख रहे हैं अभी आप. सेल्स आर रिकॉर्डेड, सेल्स आर रिकॉर्डेड मतलब जब मैं सेल की रिकॉर्डिंग करूंगा इन अकाउंट्स, इन अकाउंट्स, अकाउंट्स में जिसको मैं स्टडी कर रहे हैं मतलब बुक में, इन अकाउंट्स एट, एट नेट, नेट सेल प्राइस. ये हमेशा किस पे रिकॉर्ड होगा बच्चे? नेट सेल प्राइस पे. नेट सेल प्राइस का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट में दैट इज, दैट इज आपका एक तो ग्रोस, ग्रोस सेल, ग्रोस सेल प्राइस. लिखो यहां पे ग्रोस सेल प्राइस माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, माइनस ट्रेड डिस्काउंट, है ना बच्चे? तो नेट सेल प्राइस का मतलब क्या हो गया? ग्रोस सेल से लेस आपका ट्रेड डिस्काउंट, इस पे आप यहां पे सेल्स को रिकॉर्ड करते हो. उसी तरीके से लिखना फुल स्टॉप के बाद, फुल स्टॉप के बाद सिमिलरली, सिमिलरली, सिमिलरली परचेजेस, जो बंदा परचेज करेगा यानी कि आप, परचेजेस आर रिकॉर्डेड, जिसने परचेज किया वो रिकॉर्ड करेगा एट नेट परचेज प्राइस, नेट परचेज प्राइस. जरा बताओ आगे ब्रैकेट में दैट इज, जो मेरा सेल प्राइस था आपके लिए परचेज प्राइस हो जाएगा. तो जो ग्रॉस सेल प्राइस था, ग्रॉस सेल सॉरी परचेज प्राइस आपके लिए, अगर मैं आपके एंगल से बात करूं तो ग्रॉस परचेज प्राइस जो था, इसमें से हम क्या माइनस कर देंगे? ट्रेड डिस्काउंट. हमने ट्रेड डिस्काउंट दिया, आपने ट्रेड डिस्काउंट लिया, हमने जिसको माइनस किया आपने भी उसको क्या करना, हटाना है जी, और उसी पे आपको रिकॉर्ड करना है. तो हम कह सकते हैं इन अदर वर्ड्स, लिखे यहीं पे इन अदर वर्ड्स, इन अदर वर्ड्स ट्रेड डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट इज नॉट रिकॉर्डेड, इज नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट, इन बुक्स ऑफ अकाउंट एट ऑल. मतलब बच्चे जो आपका ट्रेड डिस्काउंट होता है, इस ट्रेड डिस्काउंट को हम बुक में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते.
ट्रेड डिस्काउंट जो होता है ये कभी भी बुक में आपका रिकॉर्ड नहीं होता, कभी रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि आप देख रहे हो रिकॉर्ड जब 1200 से होगा तो ना तो ये प्राइस रिकॉर्ड होता है और ना ही ये प्राइस रिकॉर्ड होता है। एंट्री यहां से शुरू होगी, एंट्री मतलब रिकॉर्डिंग करना, मतलब क्या होता है मैं आगे बताऊंगा, बट ये बात ध्यान रखेंगे आप यहां पे, ठीक है ना। ये हमने आपको यहां पे डिस्काउंट के बारे में बताया। जब बात डिस्काउंट की उठी ही है, जब बात डिस्काउंट की उठी है, अरे सर एक मिनट सर, आपने ट्रेड डिस्काउंट बताया, फिर सर वो कैश डिस्काउंट क्या होता है? दो था ना बच्चे, लिखो यहां पे बी। अब लिखेंगे कैश डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट, जरा इसके बारे में समझते हैं कैश डिस्काउंट क्या होता है। सुनना मेरी बात ध्यान से, मेरी बात सुनना, अरे मेरी बात सुनो, अरे सुनो तो मेरी बात, आपसे ही तो बात कर रहा हूं, कौन किससे बात करूंगा, जरा बताओ, जरा सुनो तो मेरी बात। देखो ना यहां पे, जरा बताओ, मैंने ये शर्ट आपको कितने में दे दिया? 1200 रुपए में, 1200 में दिया ना बच्चे? सर हां सर हां, मैंने कहा कि पैसे दो, कहा मैंने पैसे दो, आपने कहा कि सर अभी पैसे नहीं है, ये पैसा मैं आपको आज से 3 मंथ्स के बाद आपको दे दूंगा। लो मतलब मैंने जो सेल किया बच्चे, किसी भी बेचा मैंने जी आपको ऑन क्रेडिट, हमने सेल किसी पे किया ऑन क्रेडिट आपका, सुन लो मेरी बात, मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, मैंने जो शर्ट आपको दिया 1200 में आफ्टर बार्गेनिंग, आपने कहा कि पैसा मैं आज से 3 मंथ्स के बाद दे दूंगा। चलो ठीक है, अब देखो हुआ क्या, कुछ समय गुजरा, 2 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, और मुझे यानी कि जो बिजनेसमैन है, मुझे अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई। कहते हैं कि अभी 5-6 दिन ही गुजरे थे, 5-6 डेज ही गुजरे थे, पैसा मुझे आपसे कब चाहिए, कब मिलेगा? 3 मंथ्स के बाद एज पर एग्रीमेंट। लेकिन 5-6 दिन ही गुजरे थे और मुझे अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, अचानक पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई। जरा बताओ कि क्या जिसपे एग्रीमेंट 3 महीने बाद पेमेंट करने का हो चुका है, क्या वो पैसा आज मैं आपसे मांग सकता हूं क्या? बोलो ना, क्या जिसपे एग्रीमेंट 3 महीने बाद पेमेंट करने का हुआ वो पैसा आज आपसे मांग सकता हूं क्या? नहीं सर, नहीं, नहीं मांग सकते, नहीं मांग सकते सर। क्यों नहीं मांग सकता, क्यों नहीं मांग सकता? अरे सर आपने एग्रीमेंट किया है कि एग्रीमेंट है कि 3 महीने बाद, ठीक बोला बच्चे, नहीं मांग सकता क्योंकि एग्रीमेंट हो चुका है 3 मंथ्स बाद का, लेकिन मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, मैं करूं तो क्या करूं? एक रास्ता मेरे पास है, एक रास्ता है, पता क्या, मैं एक ऑफर निकाल दूंगा, एक ऑफर निकाल दूंगा कि भैया अगर 3 मंथ्स के बाद पेमेंट करने के बजाय, अगर मान लो अगले 7 डेज के अंदर में, 7 डेज 10 डेज कुछ भी हो सकता है, अगर 7 डेज के अंदर में आपने मुझे पेमेंट कर दिया तो मैं 100 रुपीज और छोड़ दूंगा, और छोड़ दूंगा। अरे जो शर्ट मैंने 1200 में आपको बेचा था तो मैंने 1200 रुपए से एंट्री कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया कि हाँ जी हमने 1200 में बेचा आपका। लेकिन अगर मान लो कि जब 1200 में शर्ट मैंने बेचा आपको, 1200 में बेचा, और उसके बाद क्या हुआ कि अगर मान लो अचानक ही मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आ गई, मैं पैसा आपसे नहीं मांग सकता क्योंकि एग्रीमेंट 3 महीने का हो चुका है, तो मैंने एक ऑफर निकाल दिया कि अगर आपने 5 दिन 7 दिन 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दिया, कुछ भी हो सकता है टाइम पीरियड, तो मैं 100 रुपीज और डिस्काउंट आपको दे दूंगा। पर बच्चे अगर आप मुझे, अगर मुझे ये पैसा पे कर दिया ना आपने समय के अंदर में, तो मैंने 100 रुपए और डिस्काउंट दे दिया। ये डिस्काउंट अकाउंट्स में हम इसको कैश डिस्काउंट के नाम से जानते हैं, कैश डिस्काउंट। कोई पूछ दे आपसे कि बताओ कैश डिस्काउंट क्या होता है, तो आप उनको कहना कि जो भी डिस्काउंट दिया, जो भी डिस्काउंट दिया टू मेक अर्ली पेमेंट। ध्यान से सुनना, बार्गेनिंग नहीं यहां पे, यहां कोई बार्गेनिंग नहीं है, कोई क्वांटिटी नहीं बचे, आपको जल्दी पेमेंट करना है, आपने टाइमली पेमेंट करना है, आप टाइमली पेमेंट कर दो। आप, मैं कभी कभी कहता हूं कि भैया अगर टाइम पे पेमेंट किया तो 100 रुपए छोड़ दूंगा, या फिर आप जल्दी पेमेंट कर दो हम आपको 200 रुपए छोड़ देंगे, ऐसी बातें हमेशा बिजनेस में होती है। तो मेरे बच्चे हम उसको क्या बोलेंगे, आपका कैश डिस्काउंट। सुना मेरी बात? सर हां सर हां, लिखो इसी बात को यहां पे थोड़ा, कैश डिस्काउंट का मतलब क्या होता है लिखना, इट इज कंसेशन, इट इज कंसेशन कह दो, कंसेशन कह दो, या कह दो ब्रैकेट में रिबेट, रिबेट का मतलब ही कंसेशन यानी कि डिस्काउंट ही होता है। इट इज कंसेशन अलाउड, अलाउड लिखेंगे यहां पे, टू कस्टमर्स, टू कस्टमर्स, क्यों जी? तो आप लिखेंगे फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग, फॉर मेकिंग टाइमली पेमेंट, टाइमली पेमेंट और अर्ली पेमेंट, अर्ली पेमेंट।
अगर कोई बंदा टाइम टाइम से पेमेंट करते जा रहा है, अच्छा इंसान है, हमने उसको बोला चल भैया तुमने टाइम टाइम में पेमेंट किया, 10 रुपए छोड़ देता हूं, ये होता है आपका टाइमली पेमेंट। कभी कभी हमने कहा कि भैया पैसा आप जल्दी पेमेंट कर दोगे और जल्दी तो हम आपको 20 रुपए छोड़ देंगे, तो उसको क्या बोलते हैं आपका अर्ली पेमेंट। तो चाहे टाइमली पेमेंट हो चाहे अर्ली पेमेंट हो, टू मेक टाइमली और अर्ली पेमेंट व्हाट एवर डिस्काउंट इज गिवन बाय सेलर टू बायर, दैट इज कॉल्ड कैश डिस्काउंट। बात समझ में आ गई सर? हाँ सर हाँ। तो ये हमारा डिस्काउंट था जो मैंने आपको समझाया। लीजिए मैं अब अपने शोरूम को हटाता हूं, इस शोरूम को हटाता हूं और मैं इन वर्ड्स को भी हटाता हूं जो मैंने आपको यहां पे दिखाया। लीजिए ये बात हमारी यहां पे आके खत्म हो गई। अब मैं आगे बढ़ता हूं, कुछ और अच्छी बातें आपको समझाता हूं। देखो जब बात डिस्काउंट की उठी है ना बच्चे, तो इससे ही एक थोड़ा मिलता जुलता वर्ड है आपका 17th में, लिखो यहां पे बैड डेट्स का। बैड डेट्स, बैड डेट्स, बी ए डी, बैड बुरा, डेट्स मतलब कर्ज, जो कर्ज बुरा हो गया, कर्ज कर्ज जो मैंने दिया था किसी को वो बुरा मतलब खराब हो गया, वो बदमाश पैसा लेकर भाग गया। था एक इंसान, था एक कस्टमर मेरा, था एक बच्चा मेरा जिसने बोला था कि सर आप हमें पढ़ा दो, हम पैसे आपको कल आके दे देंगे, वो आया ही नहीं पैसा देने, वो भाग गया पैसा लेकर मेरे बच्चे, तो क्या बोलेंगे, बैड डेट्स हो गया, डूब गया। बैड डेट्स, डेट्स का मतलब क्या होता है, कर्ज। डेट्स का मतलब क्या होता है जी, कर्ज, जो कर्ज हमने दिया था वो बैड यानी कि खराब हो गया, खराब नहीं ऐसे नहीं लिखते, खराब, ख रा ब, खराब, डूब गया पैसा। समझ में आ रहा क्या बोला? ना नहीं सर, बिल्कुल नहीं समझ में आया। आपको क्या लगता है ऐसे हिंदी लिख दोगे तो उसे समझ में आ जाएगा? आप समझाओ ना सर क्या बोलना चाहते हो। चलो मैं बताता हूं, आओ जरा, आओ जरा मैं बताता हूं। ये देखो आप जरा यहां पे मैं कुछ लिख रहा हूं, याद है मैंने बातें आपसे पहले की है, ये लिखना नहीं, ये सुनना मेरी बात, कि सेल ऑफ गुड्स दो तरीके से हो सकता है, या तो कैश पे बेचूंगा या बेचूंगा ऑन क्रेडिट। बोला था ना बच्चे? सर हाँ सर। देखो मैंने क्या किया, कैश पे बेचा तो बताओ पैसा कब मिल गया, अभी कभी मिल गया। लेकिन अगर सेल मान लो हमने किया क्रेडिट पे, सर किसको सेल किया आपने, ए को, बी को, सी को, डी को, ई को, 5 लोगों को बेचा, इनको 10,000 का, सर हम भी लिखे नहीं लिखना, इस बात दिमाग में बैठाना है, इनको हमने 12,000 का बेचा, इनको हमने 15,000 का बेचा, इनको हमने 20,000 का बेचा, इनको हमने मान लो 5,000 का बेचा, इन सबको हमने सेल किया ए बी सी डी, और हाँ बेचा किस चीज पे थी, क्रेडिट पे। तो बताओ जब सेल मैं आपको करूंगा क्रेडिट पे, क्रेडिट पे, तो आप सबको मैं अकाउंट्स में क्या बोलता हूं, सर डेटर्स बोलते हैं आप, डेटर्स, डी ई बी टी ओ आर एस। अगर सेल हमने किया है ऑन क्रेडिट तो हम क्या बोलेंगे, डेटर्स आपको बोलेंगे, है ना बच्चे? बताया तो था पहले मैंने आपको। सर हाँ सर हाँ। पता क्या हुआ इसमें, जब मैंने, जब इन पांचों को हमने कहा कि भैया पैसा पे करो, ए ने पैसा पे कर दिया, बी ने पे किया, सी ने पे किया, डी ने पे किया, ये ई बदमाश जो है वो पैसा लेकर भाग गया, नहीं पे किया, नहीं पे किया। जब मैं पैसा मांगने गया तो वो घर छोड़ के भाग गया, मान लो घर छोड़ के भाग गया, चाहे दुनिया ही छोड़ के भाग गया, ये भी तो हो सकता है। सर दुनिया छोड़ने का मतलब चला गया भगवान के पास, उठा लिया भगवान ने, नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता क्या हमारा ये, कि जब जब हम पैसा मांगने गए वो मर गया, ये भी तो हो सकता है। सर हाँ। तो क्या मैं उसकी आत्मा से पैसा मांगने मांगने जाऊंगा क्या, उसकी आत्मा से मांगने जाऊंगा? सर उसके फैमिली से मांग लो, वो भी चले गए, चले गए वो भी भगवान के पास, सब चले गए एक ही बार में, सब चले गए, मान लो सबने हाथ पकड़ा एक साथ चले गए, किससे पैसा मांगू जरा बताओ ना, क्या मांगने के लिए मैं भी भगवान के पास जाऊं क्या? ना 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 सर, आप नहीं जाना सर, आप अभी नहीं जाना, अभी पढ़ा के जाना सर। ठीक बोला आपने, स्वार्थी कहीं के, पढ़ा के जाना मतलब जिंदा रहूं सिर्फ पढ़ाने के लिए और कोई काम के लिए नहीं। खैर छोड़ो, क्यों फालतू में आपसे झगड़ा करता हूं। अरे सेल जब हमने क्रेडिट पे किया तो 5 लोगों को क्रेडिट किया, क्रेडिट पे किया, दे ऑल बिकम डेटर्स। इसमें ए बी सी डी से तो पैसा मिल गया, ई से पैसा नहीं मिला, कई रीजन हो सकता है, वो भाग गया, वो मर गया, वो इनसॉल्वेंट हो गया,
ओह, एक नया वर्ड, इंसॉल्वेंट। सर इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? दिवालिया हो जाना बच्चे, दिवालिया घोषित हो जाना। दिवालिया का मतलब कि अब उसकी स्थिति बहुत खराब हो चुकी है, वो एक तरीके से भिखारी बन चुका है, वो अपने कर्ज पेमेंट करने के लिए वो कैपेबल नहीं है, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो जाना। इंसॉल्वेंट अभी आएगा वर्ड, मैं बताऊंगा, बट वो ऐसे लोगों को हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट हो गया। तो हमने कहा किसी भी रीजन से, चाहे वो आपका भाग गया हो, चाहे वो मर गया हो, चाहे वो इंसॉल्वेंट हो गया हो, एनी रीजन, ड्यू टू एनी रीजन, इफ आई एम नॉट एबल टू रिकवर दैट अमाउंट, देन दैट अमाउंट विल बिकम बैड डेट्स फॉर मी। वो पैसा मेरा डूब गया, वो कर्ज जो मैंने डेब्ट यानी कि जो कर्ज दिया था, वो कर्ज मेरा खराब हो गया, वो कर्ज डूब गया, हम उसे बैड डेट्स कहेंगे अकाउंट्स में। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? सर आया, सर आया, सर आ गया, सर आगे बढ़ो ना सर, हमें तो सच्ची बता रहे सर, आप एक एक वर्ड को ना ऐसे बता रहे हो कि हम क्या बताएं, सर दिमाग में बैठ जा रहा है, यही तो चाहता हूं बच्चे। और मैंने आपका ये जो ध्यान है ना, वो आपको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। ये बच्चे, ये पता नहीं, मैं सीए फाइनल तक के बच्चों की बात करता हूं, वो भी इस बच्चे, वो बच्चे इस बात को नहीं समझ पाते हैं। बदबू आते उन बच्चों से, मुझे अंदर, उनके अंदर से। सर क्यों बदबू आती? नहीं कुछ जानते, वो क्या करो जरा बताओ। फिर ऐसे लोग खराब ही तो हो गए, वो भी खराब हो गए, लेकिन आप थोड़े ऐसे हो गए, आपको तो वर्ड की मास्टरी अभी होगी। बैडेट्स का मतलब होता है इफ द फर्म इज नॉट एबल टू रिकवर द अमाउंट ड्यू टू एनी रीजन, इधर इट्स ड्यू टू इनसोल्वेंसी और द आपका डेथ ऑफ द कस्टमर, एनी रीजन, दैट इज कॉल्ड बैडेट्स। आपका पैसा मिलने की संभावना खत्म हो चुकी है, नाउ द अमाउंट कैन नॉट बी रिकवर्ड एट ऑल, वो पैसा कभी रिकवर नहीं हो सकता, कभी रिकवर नहीं होगा, उसको बोलते हैं बैडेट्स। लिखिए थोड़ा सा इसके बारे में, लिखेंगे आप यहां पे बैडेट्स का मतलब क्या होता है कि बैड डेप्ट, बैड डेप्ट। सर आपने बोला डेप्ट, यहां बोला डेट्स, अरे डेप्ट मतलब कोई एक आदमी से डूबा होगा, बैडेट्स का मतलब क्या कई लोगों से डूबा होगा, इतना थोड़े टेंशन लेते हैं। चलो आपको बैड डेप्ट लिख दो, बैड डेप्ट फिर आपका एक ही आदमी से डूबा हो पैसा, उसी के बारे में समझाता हूं मैं, यहां पे कर दूंगा फिर। इज लिखो बैड डेप्ट, इज द अमाउंट, इज द अमाउंट, is the amount, bad debt is the amount which becomes irrecoverable, irrecoverable, irrecoverable। क्यों जी? पहले तो लिखो from, किससे? सर डेटर से, डेटर्स यानी कि जिनसे हमें पैसा लेना था उनसे ये पैसा नहीं मिल सकता सर, फुल स्टॉप। इट इज बिकॉज ऑफ, ये क्यों होता है? इट इज बिकॉज ऑफ, लिखना इट इज बिकॉज ऑफ, या फिर इट इज को इट मे कर देना, इट मे बी, कई रीजन होते हैं, इट मे बी यहां पे बिकॉज ऑफ। हमने क्या बोला जी? इनसोल्वेंसी, इनसोल्वेंसी और डेथ, डेथ ऑफ डेटर्स, डेटर्स। ये इंसॉल्वेंसी हो गया, डेथ हो गया, कई रीजन होते हैं आपका, कई रीजन होते हैं। हाँ, हम कह सकते हैं कि इट इज अ लॉस टू बिजनेस, लॉस टू बिजनेस। मेरे बच्चे ये एक तरीके से बिजनेस को क्या हुआ? लॉस हो गया, लॉस टू बिजनेस नहीं हो गया। आप बताओ, जो पैसा मुझे मिलना था वो पैसा नहीं मिला तो डूब गया, बैड्स हो गया, लॉस हो गया जी, लॉस हो गया, डूब गया पैसा ये, ठीक है सर। तो जरा बताओ बैड डेट्स जो होता है वो क्या मतलब हो गया? डूब जाना पैसा, किससे डूब जाना? डेटर्स से, डेटर्स जिनसे हमें पैसा लेना होता है उनसे पैसा डूब गया। आपके घर में भी तो होता है, पापा मम्मी ने किसी को कर्ज दिया था, दिया था कर्ज कि हाँ जी पैसा आप दे देना, वो आपका पापा मम्मी का डेटर था बच्चे, वो डेटर था, जो कर्ज आपसे लेता है वो आपका डेटर होता है। अब वो बदमाश नहीं दिया, भाग गया, गए पैसा आप मांगने, पापा ने बोला कि बेटा तुम जाओ और पैसा लेकर आ जाओ, उसने इतना पीटा आपको, इतना पीटा कि मैं क्या बताऊं, भाग गया आप, पैसा लेकर नहीं दिया उसने, आपने डूब गया पैसा, होता है ना। अरे पापा ने कहा कि बेटा जाओ पैसा लेकर आओ, उस आदमी ने पैसा देने के बजाय आपके सारे बाल काट दिए, यहां से काट दिए, यहां से काट दिया, ये बीच में थोड़ा सा छोड़ दिया, डूब गया पैसा, नहीं दिया, पीट दिया आपको ना, तो पैसा थोड़े देना चाहता है वो आपका, बैडेट्स हो गया। अब जो करना करो, जो करना करो, पैसे तो डूब गए, बैडेट्स हो गया आपका। समझ लो मेरी बात यहां पे? सर हाँ सर हाँ, लेकिन सर मेरा बाल सर जब कटेगा तो फिर गंदा लगेगा सर, क्यों सोच रहे हो उसके बारे में?
अरे बाल के बारे में क्यों सोच रहे हो, बैलेंस के बारे में सोचो ना। बैलेंस का मतलब क्या, पैसा डूब जाना, बस आपके पैसे डूब गए, बैलेंस हो गया, लॉस हो गया आपको। ठीक है, ठीक है सर। लेकिन सर सर सोचो ना सर, मेरे बाल अगर ना हो, बिल्कुल यहां से कट जाए और सिर्फ यहां पर रहेंगे, सर मेरे बाल कैसे लगेंगे सर? होने दो ना, फिर से वही बात। अरे बाल पे मत जाओ ना, अकाउंट्स के बारे में बात कर रहे हैं बदमाश, बैलेंस के बारे में बात कर रहे हैं। कहां बाल पे पकड़ लिया, मैंने एग्जाम्पल दिया था। ऐसा थोड़ा होगा कि किसी के घर में जाओगे और आपको बाल काटेगा, गला भी काट सकता है, गला भी काट सकता है, तो बाल पे क्यों जा रहे हो? सोचो ना, इमेजिन करो आपका गला नहीं है और दौड़ दौड़ के घर में आ रहे हो, पापा को बोल रहे हो पापा पैसे नहीं दिया नहीं दिया, कितना मजा आएगा? आएगा ना मजा? मैं बोल रहा हूं ये सोचो, आप सोचते हो अरे गले बाल के बारे में क्यों बात कर रहे हो, क्यों बाल बात कर रहे हो? बात करो ना कि पैसा डूब गया, बैलेंस हो गया, वो पैसा आपको नहीं दिया, किसी रीजन से भाग गया, मार के भगा दिया आपको, पीट के भगा दिया, मतलब नहीं देना पैसा, खत्म हो गई बात। ठीक है सर। लेकिन सर आपने जब इस वर्ड को समझाया तो एक वर्ड लिखा इनसोल्वेंसी। सर ये क्या होता है, लिखो ना 18th, अभी तो कहा इनसोल्वेंसी का मतलब होता है इनसोल्वेंट हो जाना। इनसोल्वेंट का मतलब कि नाउ दैट पर्सन इज नॉट इन ए पोजिशन टू पे योर अमाउंट, उसकी स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि अब वो पैसा नहीं पे कर सकता, उसकी स्थिति सच्ची में खराब हो गई है, हम उसको बोलते हैं वो इनसोल्वेंट है। लिखिए जरा यहां पे अगला आपका, यहां पे इनसोल्वेंसी से मिला हुआ वर्ड इनसोल्वेंट, इनसोल्वेंट पर्सन। ये इनसोल्वेंट पर्सन कौन होता है, जरा सुनो। इनसोल्वेंट का मतलब कहते हैं कि इज अ पर्सन, इनसोल्वेंट पर्सन इज अ पर्सन हु is not in a position, who is not in a position to pay his debt, जो debt pay करने के position में, debt का मतलब क्या होता है लिख दो यहां पे, कर्ज। वो इंसान जो कर्ज अपना, जो जो उसके ऊपर में कर्ज है बच्चे, जो कर्ज है उसको पे करने के पोजीशन में नहीं होता, हम उसको क्या बोलते हैं, इनसॉल्वेंट पर्सन। इनसॉल्वेंट वो क्या हो गया, इनसॉल्वेंट हो गया। हाँ, और जब बात इनसॉल्वेंट की उठी है, ये खराब इंसान की बात उठी है, तो क्यों ना एक बार हम अच्छे इंसान की भी बात कर लें, जिसको हम कहेंगे सॉल्वेंट पर्सन। सॉल्वेंट सर, सॉल्वेंट का मतलब क्या है, जो पेमेंट करने के पोजीशन में है। आप जिसके घर में गए, उसने मार के नहीं भगाया, आपका हाथ नहीं काटा, आपका पैर नहीं काटा, ना सर काटा, ना बाल काटा, उसने बस प्यार से आपको पैसे दे दिए, बोला कि यार मैं ठीक हूं, मुझे दिक्कत नहीं है, लो पैसा काम करो, सॉल्वेंट है। ऑल दोज पर्सन हु आर इन ए पोजिशन टू पे योर डेप्ट, जो आपका डेप्ट पे कर सकता है, जिसकी स्थिति अच्छी, उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। जो बदमाश हो गया उसको इनसॉल्वेंट कहेंगे। और ये इनसॉल्वेंट क्या करते हैं, बैलेंस कराते हैं, डूबते हैं पैसा। लिखो सॉल्वेंट के बारे में, Is a person who is in a position to pay his debt, जो अपने debt यानी कि कर्ज को pay करने के position में है, हम उसे क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट आपका। और जो नहीं है उसको क्या बोलेंगे, इनसॉल्वेंट है। बैडेट्स अगर होगा तो कौन करेगा, इनसॉल्वेंट करेगा। इनसॉल्वेंट मतलब वो डेटर जो आपका इनसॉल्वेंट हो गया, वो पैसा नहीं पे करेगा, उसको हम कह देंगे बैडेट्स आपका यहां पे। ओह ये क्या कर दिया हमने, अरे 18 के बाद 19 आता है, 18 के बाद 19 आता है, पता नहीं कहां से सीख के आया हूं कि 18 के बाद 18 होता है। ठीक है सर, आगे बताओ सर। आपने आज तो सर डिस्काउंट के बारे में हमें बता दिया, बैडेट्स भी बता दिया, इनसॉल्वेंट भी बता दिया, सॉल्वेंट भी बता दिया, कुछ और भी है क्या सर? हाँ हाँ, जब पर्सन पर्सन की बात उठी है तो एक पर्सन लिख दो और, जिसको हम कहते हैं प्रोप्राइटर, PROPRIETOR, प्रोप्राइटर, जिसको हम जरा बताओ और क्या बोलते हैं जी, ओनर, OWNER, ओनर, ओनर, प्रोप्राइटर कई बार यूज किया था मैंने। द पर्सन हु हैज इन्वेस्टेड मनी इनटू द बिजनेस, जिसने पैसा इन्वेस्ट किया, अरे वो मालिक जिसने बिजनेस स्टार्ट किया। देखो ना मुझे,
मैंने सीओसी को स्टार्ट किया, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द बिजनेसमैन, आई एम द क्या बोलते हैं इसको, ओनर ऑफ दिस फर्म, मैं इसका ओनर हूं, मैं इसका मालिक हूं. आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया, आप उसके मालिक हो, यू विल बी कॉल्ड द ओनर ऑफ दैट फर्म और कंपनी. बात समझ में आ रही है? टाटा कंपनी को जिसने स्टार्ट किया, मान लो रतन टाटा, ही इज द ओनर ऑफ दैट कंपनी. बात समझ में आ रही है? मैंने कहा प्रोप्राइटर है, मालिक है, एंड द प्रोप्राइटर इज द पर्सन हु बियर्स द रिस्क इन टू द बिजनेस. वही तो रिस्क बियर करता है. आप बताओ मेरे बिजनेस में अगर मान लो मेरा, अगर मान लो मैंने इतने सारे काम स्टार्ट किए हैं, स्टूडियो बनाया, इतने सारे मैंने पैसे लगाए, और मान लो बिजनेस फ्लॉप हो गया, रिस्क किसका है? मेरा है, सब कुछ डूब गया, डूब गया सब कुछ. लेकिन जरा बताओ यहां पे जो रिस्क बियर करता है वो सिर्फ मैं ही तो बियर करता हूं. अगर मान लो कोई आपका दूसरा तो नहीं आता, मेरे पड़ोसी तो नहीं आएगा इस रिस्क को बियर करने के लिए? नहीं सर, नहीं, आपको रिस्क बियर करना पड़ेगा. तो आई एम द ओनर, आई एम द प्रोप्राइटर, आई एम द पर्सन हु इज बियरिंग रिस्क ऑफ दिस बिजनेस. आई एम ओनली द पर्सन हु इज लायबल टू गेट प्रॉफिट फ्रॉम दिस बिजनेस. इस बिजनेस से जो प्रॉफिट आना चाहिए वो सिर्फ मुझे मिलना चाहिए, क्योंकि मैं ही आपका ओनर हूं. अरे ओनर जो होता है, जरा बताओ, मैं सैलरी लूंगा क्या? ना सर, आप सैलरी, क्या मैं कमीशन लूंगा? ना, मैं प्रॉफिट कमाता हूं. वो प्रॉफिट नहीं कहा था उपविषय में आपका कि भैया हमने इतने का सेल किया, इतने हमारे खर्चे होंगे, जो बच गया वो मेरा है. वो किसका है? प्रोप्राइटर का है, मेरा, ओनर का. लिखिए प्रोप्राइटर के बारे में. द पर्सन हु commences business, जो business को commence करता है, and bears all risk associated with business. Business से जुड़ा हुआ, associated का मतलब क्या होता है? जुड़ा हुआ. जो भी रिस्क है जो उसको बियर करता है, इज कॉल्ड प्रोप्राइटर, या कह दो क्या जी आप यहां पे ओनर. प्रोप्राइटर कह दो या कह दो जी यहां पे ओनर. आई बात समझ में? तो जितने भी आपके कंपनी के मालिक होते हैं, फर्म के मालिक होते हैं, उन सबको हम क्या बोलते हैं आपको यहां पे? प्रोप्राइटर. अच्छा बताओ, ये प्रोप्राइटर जो होगा, ये जो ओनर होगा, ये किसका होगा? किस चीज का? बिजनेस का. पता, अभी तक जो जितनी बार मैंने बिजनेस कहा ना, अब बिजनेस वर्ड बोलना मैं बंद कर दूंगा बच्चे, बिजनेस बोलना बंद कर दूंगा, क्योंकि बिजनेस के लिए मैं एक नया वर्ड दूंगा जिसको हम कहेंगे एंटिटी. क्या वर्ड बोला हमने? एंटिटी, ENTITY, एंटिटी. मतलब सर, मतलब पता है, ऐसे तो इसका मीनिंग बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बट मैं आपको बताऊं, अभी तक मैं आपको कितनी बार कहा कि यार सीओसी मतलब मैं, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेस, सीओसी मतलब क्या? मैं कहा ना अभी तक आपका, तब तक ठीक था जब तक मैंने ये वर्ड आपको नहीं समझाया. मेरे बच्चे याद रखना, अकाउंट्स में होता क्या, मैं आपको बता दूं, मैं अभी आगे अगली क्लास में इसका डिस्कशन हमारे साथ होगा. अकाउंट्स कहता है कि भैया ओनर जो है ना, ओनर अलग है और फर्म अलग है. ध्यान सुनना ये बात, मैं आगे आपको प्रूफ करूंगा. अकाउंट्स कहता है कि ओनर अलग है, मैं अलग हूं और मेरा बिजनेस अलग है. मतलब अकाउंट्स का मतलब हो गया जो हमारे कंट्री का लॉ जो है बच्चे, जो हमारा अकाउंट्स है. ये अकाउंट्स कहता है, लिखना नहीं, कि आप देखो सीओसी जो है और जो संतोष कुमार है, ये दोनों अलग अलग है, ये अलग है, ये अलग है. मैं जो हूं ना, मैं इसका मालिक हो सकता हूं, मैं ओनर हो सकता हूं, लेकिन जो एग्जिस्टेंस है वो ये है सीओसी. इसको हम कहते हैं एंटिटी, एक अलग पहचान, जिसकी पहचान मुझसे अलग है बच्चे. हमारे देश का, हमारे वर्ल्ड का कानून जो है, हमारा अकाउंटेंसी जो है, हमारा जो अकाउंट्स है, ये हर एक वक्त आपको ये बात बोलने को कहता है कि भैया ओनर अलग है और फर्म अलग है. ओनर को फर्म को मिलाना मत. मानता हूं कि ओनर का ही फर्म है, लेकिन जब जब अकाउंट्स को मेंटेन किया जाएगा, जब जब हम किसी वर्ड को डिफाइन करेंगे, तो वो डेफिनेशन संतोष कुमार के लिए नहीं होगा, वो सीओसी के लिए होगा, वो कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज के लिए आपका होगा, वो सीओसी के लिए होगा. सर कहना क्या चाहते हो? मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहता आज,
कुछ नहीं कहना चाहता बच्चे, आज तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि एंटिटी जो है वो ऑर्डर से अलग होती है। एंटिटी जो है यानी कि जो बिजनेस है वो ओनर से अलग होगा। हमने जितने सारे वर्ड अभी तक देखे हैं, वो आपका एक्सपेंस, वो इनकम, वो आपका कैपिटल, वो लायबिलिटी, वो आपका एसेट, सब इनके लिए, इनके लिए, इस एंटिटी के लिए, इसके लिए नहीं। सर बात नहीं समझ मा रही, मत समझो बात, अभी समझना भी नहीं है, मेरी एक क्लास पूरी चलेगी इसको समझाने के लिए। आज तो इतना समझ लो कि जैसे ही आपने कोई फर्म स्टार्ट किया, आपने कोई कंपनी स्टार्ट किया, तो आप अलग हो गए और वो कंपनी अलग हो गई। और अकाउंट्स जितना स्टडी कर रहे हैं या जितना स्टडी करेंगे, सिर्फ उस कंपनी के लिए स्टडी करेंगे। नाम सुना आपने टाटा का? टाटा नाम सुना होगा सर? हाँ। टाटा क्या एक इंसान है या फिर कोई कंपनी है? टाटा एक इंसान है कि कंपनी है? सर कंपनी है। आपको पता टाटा का मालिक कौन है? टाटा का मालिक ऐसे बहुत लोग हैं, बट मैं लिमिट में आता हूं। टाटा का मालिक है रतन टाटा, जिसने इसको स्टार्ट किया है। मेन मालिक, मालिक की बात कर रहा हूं अभी, मालिक समझो आप। पर बच्चे टाटा एक अलग पर्सन है और रतन टाटा एक अलग पर्सन है, कानून की नजर में, अकाउंट्स की नजर में। कल को जब आप बड़े बच्चे हो जाओगे ना, कल को आप सीए, सीएमए, सीएस, एमबीए कुछ भी आपने कर लिया, तो आप रतन टाटा के लिए काम नहीं करोगे, आप काम टाटा के लिए करोगे, टाटा कंपनी, कंपनी में काम करोगे, रतन के घर में नहीं, क्योंकि कंपनी ही आपको इंप्लॉय करेगी। रिलायंस नाम तो सुना ही होगा, रिलायंस एक कंपनी है, और रिलायंस का जो मालिक है ना बच्चे, आपका अंबानी हो गया, अनिल अंबानी हो गया, मुकेश अंबानी, वो तो उसके उसके तो मतलब मालिक है। आपका जॉब कहां पे होगा? सर रिलायंस में होगा। या फिर आप अंबानी के घर में काम करोगे? नहीं सर, हम रिलायंस में काम करेंगे। एक अलग एंटिटी है बच्चे। तो आप अभी सिंपल शब्दों में इतना समझना कि जितने भी फर्म होते हैं हमारे देश में, फर्म जितने कंपनीज हैं, वो सब अलग होते हैं उनको ओनर से। इसलिए बात यहां पे एंटिटी को डिफाइन करने की उठेगी। लिखो एंटिटी का मतलब क्या होता है, लिखना। इट मींस एन इकोनॉमिक यूनिट, इट मींस एन इकोनॉमिक यूनिट विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे आपका रिलायंस हो गया, आपका टाटा हो गया, बजाज हो गया, बजाज ऑटो नाम सुना आपने ना, विप्रो हो गया, बहुत सारे नाम होते हैं विप्रो, सीओसी हो गया बच्चे, कॉन्सेप्ट ऑनलाइन क्लासेज, एक्सेट्रा, बहुत सारे नाम। ये सारे जो है ना, दे आर एंटिटी। अब ये जो एंटिटी होते हैं बच्चे, ये एंटिटी जो होते हैं, लिख दो यहां पे एंटिटी आपके होते हैं, इट मे बी सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म कॉमा पार्टनरशिप फॉर्म कॉमा कंपनी एक्सेट्रा, बहुत सारी बातें आएंगी, एक्सेट्रा फुल स्टॉप। सुनिए, एंटिटी का मतलब होता है, हमने कहा कि एक इकोनॉमिक यूनिट, मेरे बच्चे इकोनॉमिक यूनिट का मतलब होता है जो इकोनॉमिक में, मतलब पैसे में लेन देन करता है, जो पैसे में चलता है, आपका पैसे के लिए चलता है। विच परफॉर्म्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज, जो पैसे की एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है। इकोनॉमी पैसा, पैसे की बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक का मतलब पैसा भी होता है आपका। तो जो वो इकोनॉमिक यूनिट, बातें दो है यहां पर, एक वो इकोनॉमिक यूनिट जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज, इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमी प्रोडक्शन करता है, इकोनॉमिक कई बड़ा वर्ड है, इकोनॉमी का मतलब प्रोडक्शन करना भी होता है, जो प्रोडक्शन करता है, सर्विसेज को बनाता है, गुड्स बेचता है, उसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी यूनिट आपका। इन शॉर्ट, जैसे कि एक आपका हो गया सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, सर ये क्या होता है, सोल अकेला, अगर मैं अकेला इसका मालिक हूं, सीओसी का अगर मैं अकेला मालिक हूं,
तो मेरे फर्म को कहा जाएगा सोल प्रोप्रेटरशिप फर्म। अगर सीओसी में मान लो दो या उससे ज्यादा मालिक हैं तो हम इसे पार्टनरशिप फर्म कहते हैं, और इसमें बहुत सारे मालिक होते हैं, बहुत सारे मालिक, हम उसे कंपनी कहते हैं। सर बहुत सारे कितने, ये आगे का विषय है, मैं बाद में बात करूंगा, एक जगह सारी बातें हो नहीं सकती, इसके लिए अलग टॉपिक आपका है। लेकिन ध्यान रखना जिसमें बहुत सारे मालिक, जैसे टाटा कंपनी है ना बच्चे, उसमें लाखों मालिक है, सिर्फ रतन टाटा मालिक नहीं, मैं भी हूं, मैंने भी उसके कंपनी में पैसे लगाए हुए हैं। तो खैर उतनी बात हम क्या करें, हमने कहा कि भैया देखो जी ये तीनों जो है ना वो कंपनी के, मतलब ये आपका एंटिटी कहा जाएगा, एंटिटी जिसके लिए हम अकाउंट्स की स्टडी करते हैं। आई बात समझ में सर? हाँ सर हाँ, ये तो बात सर समझ में आ गया। कुछ और भी है सर? नहीं सर, आज का तो मुझे कुछ फाइल में बातें दिखने नहीं है, मैंने लगभग सारी बातें आपको यहाँ पर समझा ही दी, जितनी सारी बातें हो सकती हैं। तो मैं अब ना थोड़ा सा आपके साथ अब खेल खेलूंगा, मैं थोड़ा सा खेल खेलूंगा, आप पहले इसको लिख लो। सर सर जो आपने लास्ट में कहा ना एंटिटी का मतलब होता है कि मैं अलग हूं ओनर अलग, सर समझ में नहीं आया, मत समझो ना, मैंने कहा तो अभी मत समझो, है ना समय आपको समझाने के लिए, पूरा का पूरा अकाउंट आप स्टार्टिंग में सब थोड़े समझ जाओगे, समय दो मुझे थोड़ा सा। बस मैंने कहा कि एंटिटी का मतलब होता है कोई भी इकोनॉमिक यूनिट, वो यूनिट यानी कि वो जो इकोनॉमिक यानी कि प्रोडक्शन कर रहा है, जो प्रोडक्शन करता है, जो प्रोडक्शन करता है, गुड्स परचेज करता है, सेल करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटिटी आपका, ठीक है ना। लीजिए मैं इसको मिटाता हूं, और हमने लगभग बहुत सारे पॉइंट्स इसमें हमने डिस्कस कर लिए। लीजिए मैं इसको हटाते हूं, एक वर्ड और मुझे आपसे शेयर करना, एक वर्ड और, एक और प्यारा सा वर्ड आता है बच्चे, एक वर्ड आता है, लिखिए यहां पर 22 में डेप्रिसिएशन। सर ये क्या है? देखो इसको भी समझाने समझने के लिए एक बहुत बड़ा चैप्टर आपके बुक में है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग, मैं वहां पे आपको बताऊंगा, वो कम से कम आपका बहुत लंबा चैप्टर चलेगा। आज थोड़ा डेप्रिसिएशन का मतलब समझ लो, थोड़ा सा मतलब समझ लो बस बस। डेप्रिसिएशन का मतलब होता है डेप्रिशिएट करना, वैल्यू का कम हो जाना। सर मतलब आपको बताता हूं, जरा बताओ ये क्या है, जरा देख के बताओ ये क्या है, जरा सोच समझ के बताना, मेरी मेरी जो ड्राइंग है ना बच्चे, आप इसकी बुराई मत करना, बताओ ये क्या है। सर सर पता नहीं क्या बना दिया सर आपने, सर कुछ नहीं समझ में आ रहा, कसम सर कुछ नहीं समझ में आ रहा। अरे ये एक मशीन है, आप ठीक से देखो ना, मशीन है ये, मशीन 5 लाख रुपए का, 5 लाख का मशीन हमने परचेज किया था, मशीन परचेज किया था 5 लाख का, देखो ना अच्छा तो दिख रहा है मशीन, नहीं होता इतने बड़े बड़े मशीन हो गए आपका। एक बात बताओ, जो मशीन आज हमने 5 लाख का परचेज किया, क्या ये मशीन जन्म जन्म तक मैं इसको यूज करूंगा क्या, बताओ ना, क्या मशीन जो मैंने परचेज किया है क्या उसको मैं जन्म जन्म उसको 10 साल सॉरी उसको मैं इस जन्म अगले जन्म उसके अगले जन्म, क्या ऐसा कुछ होगा क्या? नहीं सर नहीं सर, मशीन जो है ना सर इसकी एक लिमिटेड लाइफ होती है, कोई भी चीज ले लो, मशीन हो गया आपका, एसी हो गया आपका, फ्रिज हो गया घर का, फर्नीचर हो गया आपका, बिल्डिंग हो गया, सबका एक लाइफ लिमिटेड होता है बच्चे, ये कभी जन्म जन्म तक नहीं चल सकते आपके पास। ठीक बोला आपने, मान लो 5 लाख का जो मशीन था इसकी लाइफ अगर मान लो 10 इयर्स की है, 10 इयर्स की है, मान लो 10 साल की है, तो मेरे बच्चे हर एक साल इसकी कुछ वैल्यू मैं यूज कर लूंगा, इसकी कुछ वैल्यू मैं हर एक साल यूज कर लूंगा, यूज करने का मतलब कि डेप्रिशिएट कर जाएगा, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, डेप्रिशिएट मतलब क्या, रिडक्शन इन वैल्यू। अरे जो 5 लाख का है, जरा बताओ अगर मशीन 5 लाख का है और ये 10 साल 10 इयर्स तक मैं यूज करूंगा, तो बताओ एक साल में इसकी कितनी वैल्यू कम हो जाएगी? सर 50,000। कोई सामान जो 5 लाख का परचेज किया था अगर वो 10 इयर्स तक यूज होगा तो 10 इयर्स उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, हो जाएगी ना बच्चे? सर हाँ खत्म हो जाएगी, 10 इयर्स में जो वैल्यू खत्म हो जाएगी वो कितनी वैल्यू है, वो 5 लाख है। एक साल में कितनी वैल्यू खत्म होगी फिर? मशीन अगर आज मान लो 5 लाख का मैंने परचेज किया एंड दैट मशीन विल रन फॉर द 10 इयर्स, तो हाउ मच वैल्यू विल रिड्यूस इन ए ईयर, एक साल में? सर 50,000। इस 50 को ही हम कहते हैं अकाउंट्स में डेप्रिसिएशन।
देखो ये भी बात अभी अधूरी है। डेप्रिसिएशन का मतलब जो होता है ना, जो बताऊंगा आपको, आप हैरान हो जाओगे, और वो हैरानी सिर्फ आपके लिए होगी, आप उस बात को ठीक से समझोगे। आज जितना बता रहा हूं उतना समझ लो, ताकि आपके दिमाग में थोड़ी थोड़ी बातें आ जाए। बाकी इन डेप्थ कॉन्सेप्ट तो भी डिस्कशन करूंगा आपके साथ। फिलहाल कोई पूछ दे यार डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप कह देना कि डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट्स, वैल्यू ऑफ एसेट्स को कम हो जाना, वैल्यू का एसेट्स कम हो जाना, सॉरी एसेट्स की वैल्यू कम हो जाना। क्यों जी? बिकॉज ऑफ यूज, यूज के चलते, या फिर एफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम जैसे जैसे गुजरता है, टाइम जैसे जैसे गुजरता है, वो क्या होगा? डेप्रिशिएट हो जाएगा। सर बिना यूज किए बगैर टाइम से कैसे होगा? होता बच्चे, आपको बताऊं, आज के टाइम पे दिल्ली में कार की जो लाइफ है ना, वो 15 ईयर्स फिक्स की गई है। 15 साल, 15 साल से ज्यादा मैं कार यूज नहीं कर सकता, चाहे कार रहे चाहे ना रहे। अगर कार मैंने आज कार परचेज कर लिया और उसको छोड़ दिया, 15 साल के बाद यूज करूंगा, कर ही नहीं सकता, कर ही नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है, इलीगल है। तो वैल्यू क्या होगी? खत्म हो गई, खत्म हो गई ना। अरे कार को खत्म करने की बात नहीं कर रहा, कार की वैल्यू खत्म हो गई। जरा बताओ 15 साल के बाद उस कार की क्या वैल्यू रह गई? जीरो हो गया, कोई यूज ही नहीं कर सकता, कोई यूज ही नहीं कर सकता, तो फिर क्या बोलूंगा? जीरो वैल्यू हो गया। तो डेप्रिसिएशन जो होता है, या तो रेगुलर जो आप यूज कर रहे हो उससे भी वैल्यू कम होती है, या एफ्लेक्स ऑफ टाइम, यानी कि टाइम के कम होने से। लिखिए थोड़ा सा यहां पे डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। कहते हैं कि डेप्रिसिएशन, लिखेंगे यहां पे, डेप्रिसिएशन इज फॉल इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। जो आपके फिक्स्ड एसेट्स है ना, फिक्स्ड एसेट्स जरा बताओ कौन से थे? सर वो जिसको आपने कहा था कि वो टेंजिबल इनटेंजिबल वाले, नहीं कहा था? मशीन, बिल्डिंग, जो मतलब एक साल से ज्यादा वर्ष तक यूज किया जाते हैं, उनको बोलते हैं। तो डेप्रिसिएशन इज फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। क्यों जी? तो बिकॉज ऑफ, लिखे यहां पे, बिकॉज ऑफ यूजेज, यूज जो आप कर रहे हो, और विथ विथ एफ्लक्स, AFFLUX, एफ्लक्स ऑफ टाइम। टाइम के बीतने से, एफ्लक्स मतलब टाइम का बीतना, जैसे जैसे टाइम बीतता है उस तरीके से आपके वैल्यू एसेट्स की कम होने लगती है। जैसे वैल्यू कम होगा हम उसको कहेंगे डेप्रिसिएशन, ठीक है ना? तो आप जरा एक काम करो, इसको समझने के लिए एग्जाम्पल लिखो यहां पे, एग्जाम्पल नंबर वन। इसको समझने के लिए मान लो कहता है कि कॉस्ट ऑफ मशीन, आपका जो मशीन है उसकी कॉस्ट कहता है कि मान लो 5 लाख का अमाउंट है, लिखो यहां पे 5 लाख, और कहता है कि इसका जो एस्टिमेटेड लाइफ है ना, लाइफ मतलब जितने साल तक ये चलेगा, इसकी जो लाइफ है वो हमें लगता है, पता नहीं क्यों, मान लो ये 10 ईयर्स है, 10 ईयर्स। तो बोलता है कि जरा बताओ, कैलकुलेट कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मतलब कितनी वैल्यू इसकी कम होगी, डेप्रिसिएशन पर ईयर, हर एक साल कितनी वैल्यू कम होगी। तो देखो सॉल्यूशन में आप कहना कि भैया जो डेप्रिसिएशन, यानी कि जो इसकी वैल्यू कम होगी पर ईयर, वो वैल्यू आपका होगा इस 5 लाख को, इस 5 लाख को आप 10 ईयर्स में डिवाइड कर दो, तो पर ईयर सर, पर ईयर 50,000 की वैल्यू यहां पे क्या होगी? कम होगी। तो जो वैल्यू पर ईयर कम होगी उसको हम क्या बोलेंगे? आपका डेप्रिसिएशन कहेंगे। आई बात समझ में? हाँ सर, आपको आपने कहा कि हमें उतना ही समझना है जितना आपने समझाया, तो ये तो बात सर समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आ गई। लीजिए मैं अब इसको मिटाता हूं, मैं इसको मिटाता हूं, और मैं आपके अब आपके साथ कुछ खेल खेलता हूं। लीजिए मैं इसको मिटाता हूं और आपके साथ कुछ खेल खेलता हूं, इसको भी मिटा दूं मैं, ये भी हो गया सर। हाँ सर, तो 22 हमने टोटल अभी वर्ड पे कमांड किए हैं एक तरीके से, अभी कई सारे वर्ड आएंगे। लिखो जरा यहां पे, लिखेंगे यहां पे, कुछ खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, क्या लिख रहा हूं, खेलते हैं। आओ जरा हम कुछ खेलते हैं, क्यों सर? पढ़ाई नहीं, ना बचना, अब हम खेल खेलेंगे, अब हमारा खेल शुरू होगा, अब हमारा खेल शुरू होगा। कुछ खेलते हैं, और लिखो ब्रैकेट में यहां पे, खेल खेल में हम क्या सीखेंगे जी? कॉन्सेप्ट बिल्डिंग क्वेश्चन। कुछ बातें अब जो
हमारे कॉन्सेप्ट को स्ट्रोंग करे। जितनी बात अभी तक हमने स्टडी की है उन सभी को देखते हुए हमने कैपिटल देखा, लायबिलिटी देखा, लायबिलिटी में देखा लॉन्ग टर्म होता है, शॉर्ट टर्म लायबिलिटी होते हैं, हमने बहुत सारी बातें देखी, बहुत सारी बातें, है ना बच्चे। आओ खेल खेलते हैं, लिखो यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर वन। सर कैसा खेल है, पढ़ा रहे हो? अरे अकाउंट्स का खेल है, देखो तो आप। यहां पे कहता कि राम कमेंस्ड बिजनेस विथ कैपिटल, या एक मिनट मैं फिर वर्ड क्यों लिखूं, राम कमेंस बिजनेस एंड लिखना इन्वेस्टेड रुपीज 20 lakhs इंटू द बिजनेस। उसने 20 लाख रुपए बिजनेस में लगाए हैं। राम ने बिजनेस कमेंस किया और कहता है कि 20 लाख हमने क्या क्या इन्वेस्ट कर दिया बिजनेस में। फिर कहता है ही परचेज्ड गुड्स, साथ साथ देखेंगे सर क्या करा रहे हो, लिखो तो बताऊंगा, गुड्स फॉर रुपीज 8 lakhs ऑन कैश बेसिस एंड रुपीज 3 lakhs ऑन क्रेडिट बेसिस ठीक है ना, लिखो आप यहां पे फुल स्टॉप। कहता है कि ही सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज 18 lakhs ऑन कैश बेसिस एंड रुपीज 7 lakhs ऑन क्रेडिट बेसिस फुल स्टॉप। आगे लिखना ही ऑल्सो परचेज्ड मशीन फॉर रुपीज 3 lakhs ऑन कैश बेसिस फुल स्टॉप नहीं है, एंड बिल्डिंग फॉर रुपीज 2 lakhs फुल स्टॉप आगे लिखना कहता है कि ड्यूरिंग द ईयर राम अगेन इन्वेस्टेड रुपीज 5 lakhs इंटू द बिजनेस। उसने बिजनेस में फिर से कहता कि 5 लाख रुपए लगाया, रिक्वायरमेंट आ गई होगी पैसे की, क्या जाता है। कहता कि ही ऑल्सो विड्र्यू WITHDREW विड्र्यू रुपीज 5,000 पर मंथ फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज का मतलब क्या हो गया, घर के लिए। कहता कि फुल स्टॉप के बाद नंबर ए कैपिटल
ऑफ द फर्म, फर्म की कैपिटल कितनी है, और आंसर हम साथ साथ लिखेंगे इसलिए आप जगह छोड़ दो, आंसर क्या होगा बाद में, पहले हम क्वेश्चन लिख दें यहां पे, एक दो लाइन का जगह छोड़ना, फिर लिखो बी यहां पे, फिर लिखना यहां पे टोटल परचेजेज कितना होगा, किस चीज का परचेज का मतलब हमेशा गुड्स का होता है, सी। फिर कहता आपका टोटल सेल्स कितना होगा, टोटल सेल्स, मेरे बच्चे ये ब्रैकेट में डाल देता हूं है ना, जब भी कहता है टोटल सेल्स बताओ, तो पूरे अकाउंटेंसी में सेल्स का मतलब ऑफ गुड्स होगा, गुड्स यानी कि जिसमें आप डील कर रहे हो उसके सेल की बात कर रहे हैं। डी कहता कि जरा बताओ आपके फिक्स्ड एसेट्स टोटल कितने होंगे, ऐसे लिख दो टोटल, सब में दो तीन लाइन जगह छोड़ के टोटल फिक्स्ड कितने होंगे, फिक्स्ड एट एंड, एंड में वो भी आपको बताना है। फिर कहता जरा बताओ ड्रॉइंग्स कितना होगा, आपसे पूछता है बताओ ड्रॉइंग्स आपका कितना हुआ, ड्रॉइंग्स कितना हुआ। देखो इतने सारे सवाल आपको क्वेश्चन पूछ रहा है, आपको यहां पे आंसर देना है, सिंपल बातें, कुछ नया नहीं है, जो हमने अभी तक आपको समझाया उसी बात को हम यहां पे थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं न्यूमेरिकली, न्यूमेरिकली। आइए जरा देखते हैं क्या निकल के आता है, सुनना। अगर मैं पूछूं कि बताओ बिजनेस का कैपिटल कितना है, कैपिटल, तो यहां देखेंगे आप कैपिटल, बताओ कैपिटल का मतलब क्या बताया था मैंने, क्या बताया था कैपिटल का मतलब, सर आपने कैपिटल का मतलब कहा था कि अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू द बिजनेस, जो पैसा ओनर ने बिजनेस में लगाया उसको हम कैपिटल कहते हैं। जरा देखो ओनर ने पैसा कितना लगाया, राम ओनर है यहां पे, देखो एक तो 20 लाख यहां लगाया, और देखो उसने शायद बीच में और पैसा लगाया था, सर हाँ राम ने यानी कि ओनर ने 5 लाख रुपए और लगाया, तो बताओ आपका कैपिटल यहां पे 20 लाख पहले से लगा था और फिर आपने 5 लाख रुपीज आपने बिजनेस में डाला, तो टोटल कैपिटल कितना हो गया सर 25 लाख, लिखो यहां पे 25 लिखो, ठीक है। अच्छा बताओ गुड्स का परचेज कितना होगा, सर गुड्स देखो आपने 8 लाख का परचेज किया कैश पे और 3 लाख सर क्रेडिट पे, तो सर 8 लाख कैश वाला भी गुड्स आपका है और 3 लाख जो परचेज किया वो भी गुड्स है, सर ये टोटल आपका 11 लाख का अमाउंट हो गया, बहुत अच्छी बात, ठीक है। सेल्स बताओ फिर कितना होगा, यहां देखो सेल, सेल का मतलब क्या गुड्स का सेल, गुड्स की बात कर रहे हैं, 18 लाख कैश पे और 7 लाख क्रेडिट पे, तो 18 लाख का सेल आपने कैश पे किया है और आपको 7 लाख का सेल किया आपने क्रेडिट पे, कितना हो गया 25 लाख, ये हमारा सेल आपका निकल के आ गया, ठीक है। फिक्सेड्स टोटल एंड में कितना होगा, फिक्सेड्स, अरे एक मिनट, फिक्सेड्स जो लंबे समय तक हमें बेनिफिट देता है 1 साल से ज्यादा, एक तो मशीन दिख रहा है मुझे 3 लाख का और एक बिल्डिंग दिख रहा है ना बच्चे, बोलो ना हाँ, अरे बोलो ना हाँ, मशीन भी आपका लंबे समय के लिए होता है और बिल्डिंग भी होता है, तो 3 लाख का मशीन लिख दो यहां पे, मशीन 3 लाख, ये हमारा फिक्सेड्स है और आपका यहां पे बिल्डिंग भी तो फिक्सेड्स है, कितने का 2 लाख, बताओ कितना बन गया सर 5 लाख, ठीक है। ड्रॉइंग्स कितना किया, ड्रॉइंग्स का मतलब था जो आपने बिजनेस से पैसा निकाला घर के लिए, अरे 5000 पर मंथ है, तो बताओ एक साल में कितने महीने होते हैं सर 12, एक्चुअली अकाउंटिंग एक बार में 1 साल की होती है, हम ये मानते हुए कि पूरे साल उसने पैसा निकाला होगा 5000 रुपए, तो मेरे बच्चे 60000 उसकी ड्रॉइंग्स निकल के आ गई, बताओ ऐसे ऐसी बातें मेरे बच्चे यानी कि आप क्यों नहीं समझ सकते, क्यों आइटम्स को आप नहीं पहचान पाओगे कि हमारा कैपिटल कितना है, लायबिलिटी कितना है, एक्सपेंस कितना, इनकम, कोई दिक्कत है क्या, नहीं सर नहीं, हम सर समझ जाएंगे, ठीक है। मेरे बच्चे आज हम क्लास को यहीं रोकेंगे, आपका आज क्लास को यहीं पर रोकेंगे, जब मैं अगली क्लास में आपके साथ मिलूंगा, जब हमारा मिलना अगली क्लास में होगा, तो मैं इस पर अभी और सारे क्वेश्चन कराऊंगा, जहां पे हम आइटम्स को थोड़ा और टफ करते चले जाएंगे और आपको पहचानना होगा कि जितने वर्ड्स मैंने आपको दिए उसमें से किस वर्ड का क्या मतलब और कितना अमाउंट निकल के आता है। फिर हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को देखेंगे और उसके बाद मैं आपको बिल्कुल मस्त तरीके से अकाउंट्स पढ़ाऊंगा और अच्छी जगह पे लेके जाऊंगा। आज की क्लास हम यही रोकते हैं बच्चे,
अगली क्लास में मिलने के पहले आप सबको बाय बाय टाटा, मस्ती करें, लेकिन अभी बुक को टच नहीं करना, जब बोलूंगा तो टच करना शुरू करेंगे।